सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने अच्छे अच्छों की बोलती इस बार बंद कर दी है। गदर 2 ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से गदर मचाई है कि फैंस से लेकर इंडस्ट्री का हर कोई बस देखता ही रह गया। माना जा रहा है कि गदर 2 की सुपर सक्सेस के बाद से सनी देओल की सेकेंड इनिंग्स भी शुरू हो चुकी है और अब एक और बड़ी खबर सनी देओल की सामने आ गई है और वो ये है गाइस कि गदर 2 के बाद अब सनी देओल भगवान हनुमान बन सकते हैं। यस, बहुत लंबे टाइम से ना फिल्म रामायण को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है। जब से इस फिल्म की फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी थी उसके बाद से हर दिन फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई बड़ा अपडेट सामने आता ही रहता है। अब लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से आपको बता दूं कि सनी देओल बन सकते हैं भगवान हनुमान। आपको पहले ही हम सबने बताया था कि रामायण में भगवान श्री राम बनेंगे इस बार रणबीर कपूर। माता सीता का कैरेक्टर प्ले करेंगी साउथ एक्ट्रेस या कोई सुपरस्टार साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। बात करें रावण के कैरेक्टर की तो बहुत टाइम से यश का नाम भी रावण के लिए सामने आ रहा है, हालांकि इस पर अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है और अब भगवान हनुमान के लिए सनी देओल का नाम लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से गदर 2 में तारा सिंह का कमाल देखने के बाद डायरेक्टर नितेश तिवारी इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने सनी देओल को ही भगवान हनुमान का कैरेक्टर ऑफर कर दिया और उन्हें अप्रोच कर लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि सनी देओल इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो बहुत खुश हुए इस ऑफर को सुनकर और दोनों के बीच में लगातार फिल्म रामायण को लेकर इस टाइम बातचीत चल रही है। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि रामायण में भगवान हनुमान का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया जाएगा लेकिन कहानी के कई और पहलू भी होंगे जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, जिसे नितेश तिवारी बहुत ही ज्यादा केयरफुली तरह से लोगों के सामने लेकर आने चाहता है। वैसे सनी देओल के हनुमान के कैरेक्टर के अलावा अब एक और खबर भी सामने आ गई है कि रणबीर कपूर जो रामायण फिल्म में भगवान राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में ऑलरेडी काफी ज्यादा चेंजेस कर लिए हैं। कोई मोई की एक रिपोर्ट के हिसाब से भगवान राम की तरह पवित्र होने के लिए रणबीर कपूर ने अल्कोहल मीट सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ सैक्रिफाइस करने का फैसला भी ले लिया है। रणबीर कपूर श्री राम की तरह पवित्र और साफ फील करना चाहते हैं और अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और प्ले करना चाहते हैं और उन्होंने इसी रीजन से ये डिसीजन लिया है। इसके अलावा रणबीर कपूर लेट नाइट पार्टीज में तक जाना इस टाइम काफी अवॉइड कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि माता सीता के लिए कुछ टाइम पहले आलिया भट्ट का नाम भी लिया जा रहा था जिसकी वजह से रणबीर और आलिया बहुत ट्रोल हुए थे लेकिन फिर बाद में कॉन्फर्मेशन आ गई कि साई पल्लवी ही इसका कैरेक्टर प्ले करेंगी। अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से शूटिंग अगले साल यानी कि 2024 में शुरू की जाएगी और हो सकता है कि लेटर 2024 या फिर 2025 की शुरुआत में फिल्म को भी रिलीज किया जाए। खैर, अब देखते हैं कि कास्ट को लेकर अब फाइनल अनाउंसमेंट कब की जाती है मेकर्स की तरफ से। तब तक आप मुझे बताओ कि रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल को साथ देखने के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो और ये अपडेट पसंद आया हो और सनी पाजी बहुत पसंद हो तो स्पेशली जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर करना लोगों के साथ मत भूलना।